नमस्कार सर, मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही कहीं सुनी होगी कि विंडोज 7 स्टार्ट हो या विंडोज 10, विंडोज 8 या विंडोज एक्सपी आप यूज करते हो तो जब स्टार्टअप जब ऑन होता है तो उसी समय आपका नाम ले या आप जो भी उससे बुलवाना चाहे वो बोले तो ये कैसे हो सकता है। तो आज के वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना बेल आइकन जरूर ताकि आपको और भी नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे हमेशा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने एक फाइल दी हुई है अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको उसकी लिंक है गूगल ड्राइव की, आपको वहाँ से उसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद उस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है और एडिट पे जाना है। और आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे जो मैसेज दिया है अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ये वो मैसेज है जो कि स्टार्टअप पे ये बोलने वाला है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सिर्फ नेम चेंज कर सकते हैं या फिर अगर आप पूरा मैसेज चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल एस कर देना है सेव और कट कर देना है। उसके बाद इस फाइल को आपको कॉपी करना है और विंडोज़ आर दबाना है ताकि रन खुल जाए। और आपको यहाँ कुछ इस तरीके से सेल स्टार्टअप लिख देना है जैसे मैं लिख रहा हूँ और इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उस फाइल को पेस्ट कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं फाइल वर्क कर रही है कि नहीं, कुछ ऐसे इस पर क्लिक करके। तो आपने देखा ये फाइल वर्क कर रही है। अब आपको कुछ नहीं, अब आप यहाँ से कट कर दीजिए और जब भी आप अपना पीसी दोबारा ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी लिखा है मैटर वो बोलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।